चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म के जुबली स्टार और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश ललादम निरहुआ ने जिस तरीके से भाजपा का झंडा आजमगढ़ में बुलंद किया है वो बाकी में ही काबिलियत तारीफ है। जी हां, आपको बता दें कि दिनेश ललादम निरहुआ ने आजमगढ़ में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सीट को हिला के रख दिया है। लेकिन आपको बता दें कि दिनेश ललादम निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि दिनेश ललादम निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ करीब 2.5 लाख वोट से ज्यादा से हारे हैं, जिसके बाद दिनेश ललादम निरहुआ के फैंस में काफी ज्यादा ताहत है। लेकिन एक ऐसी खबर आ रही है कि जिसे हर कोई काफी ज्यादा पसंद करेगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो दिनेश यादव निरहुआ जिस तरीके से आजमगढ़ में शानदार प्रदर्शन किया है उससे मोदी जी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो दिनेश यादव निरहुआ को शायद मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो दिनेश यादव निरहुआ को शायद कोई ना कोई मंत्री पद मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें फिल्म डिवीजन का कोई अधिकार पद दिया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या इसके बारे में ऑफिशियली खबर कब आती है या फिर मोदी जी के शपथ के बाद क्या निरहुआ को पद दिया जाएगा, या तो आने वाले ही एक दो दिन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि दिनेश यादव निरहुआ ने अपने आजमगढ़ क्षेत्र में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था और चुनाव प्रचार में उन्होंने भोजपुरी फिल्म स्टारों के दिग्गज फौज खड़ा कर दिया था, जैसे कि आम्रपाली दुबे और पवन सिंह के साथ दिनेश यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में बड़ा ही जोर शोर से चुनावी रैली किया था। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के लोगों के पास भोजपुरी के कई बड़े कलाकार वोट मांगते हुए गलियों में नजर आए, जिससे उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अखिलेश यादव को दिनेश यादव निरहुआ हरा देंगे। लेकिन फाइनली दिनेश यादव निरहुआ हार चुके हैं और उनका संसद जाने का सपना अभी टूट चुका है।